अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त तक की अहम खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास के रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर में दिमागी अमराज पर जामिया तहकीक के लिए थर फाउंडेशन और सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के ताउन से डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए खसूसी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर करीम ख्वाजा ने कहा कि थरपारकर ज़िला में 5,000 लोगों की डेटा जमा करके और इस पर जामिया तहकीक की जाएगी। मिट्टी में थर फाउंडेशन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी महकमा सेहत थरपारकर PPHI सरकाउसजी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड हेल्थ साइंसेस के ताउन से मिट्टी में तरबियती वर्कशॉप मुनक़द किया गया जिसमें डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर करीम ख्वाजा ने कहा कि थरपारकर ज़िला में थर फाउंडेशन महकमा सेहत थरपारकर और दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तरबियती वर्कशॉप का मकसद ज़िला भर में 250 डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स को खसूसी तरबियत दी जाएगी जिससे वो जहनी अमराज में मुबतला अफराद की दुरुस्त डेटा जमा कर सकेंगे जिसके ज़रिए ज़िला थरपारकर में 5,000 अफराद का डेटा लेकर इस पर जामिया तहकीक की जाएगी। डेटा जमा करने के लिए ज़िला भर की तमाम तहसीलों में खसूसी वर्कशॉप मुनक़द करवाए जाएंगे जिससे नफ्सियाती अमराज के मुतालिक दुरुस्त मालूमात और डेटा फराहम हो सकेगा। थर फाउंडेशन की जनरल मैनेजर फरहान अंसारी ने कहा कि तरबियती वर्कशॉप का मकसद लेडी हेल्थ वर्कर्स को तरबियत देना है ताकि वो कम्युनिटी को जहनी अमराज के साथ साथ दीगर बीमारियों के बारे में आगाही फराहम कर सकें। ये जामिया तरबियती प्रोग्राम और रेफरल सिस्टम इलाके में सेहत देखभाल तबी ज़रूरियात को पूरा करने और कम्युनिटी की मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तरबियती वर्कशॉप के मौके पर DHO थरपारकर डॉक्टर लेखराज सुभान समीजो डॉक्टर हरीश जगानी डॉक्टर निसार सोहो सुबेदार शाहानी और दीगर ने भी खिताब किया जबकि माहिर नफ्सियात डॉक्टर भरत कुमार और मनीषा कुमारी ने भी तरबियत में मालूमात फराहम की। तरबियती वर्कशॉप में थर फाउंडेशन के असिस्टेंट मैनेजर हेल्थ फयाज HU शेख अलहदायो हाजानो आलम सुमरो महवेश रोदी प्रकाश इंडस हेल्थ नेटवर्क के असिस्टेंट मैनेजर SN अली मेमन सुरेश कुमार मार्था कुमारी समेत डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो आए डॉक्टर क्लिनिक आए कंप्लीट वर्कशॉप आए डॉक्टर साहब स्कूल स्पेसिफिक टू मेंटल हेल्थ जो इतने जितना जितना सा सब कैंप किया है पर एज अ फाउंडेशन असा जो कंसर्न थी वो आ अगर कितने को बीमार आए के टूर्नामेंट का बीमारी आए तो हमने बीमार के चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब का टीम कर अलखिदमत में श्वास कहने वाला टीम कर अगर फाउंडेशन का जो फैसिलिटीज आए मजीद खबरों अपडेट्स हेडलाइंस और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें पाक 99 न्यूज़। अल्लाह के बाद।